आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये आपको खेत दिख रहा है, लेकिन ये खेत आप ये समझ रहे हो कि खेत है, इतना ही महत्व है, तो शायद आप गलत होंगे। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वो खेत है जो किसी ज़माने में करीब 1000 साल पहले धन्ना भगत जी खेती करते थे। यहाँ पे 18 बीघे ज़मीन उनकी है जिस पे वो खेती करते थे, और ये खेत वही खेत है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने प्रकट होके और इस खेत को जोता था और पानी से सींचा था, इसलिए इस खेत का महत्व बहुत ज़्यादा है। आजकल इन खेतों को धन्ना भगत सिंह के नाम पे जो ट्रस्ट बना हुआ है वो इसको ठेके पे देते हैं सालाना, जो भी ठेके पे लेता है इस खेत को, एक साल के लिए फसल वो उसमें बोता है, तो ये व्यवस्थाएं ट्रस्ट की तरफ से चल रही हैं। तो आज हम आए हैं, ये खेत के पास ही में मंदिर का परिसर है, हमारे साथ हैं कमल जी कस्मा पन्नीवाला मोटा से पहुँचे हुए हैं, इंद्रपाल जी कस्मा ये भी पन्नीवाला मोटा से पहुंचे हुए हैं, और भी हमारे सिरसा से 20-22 लोग यहाँ पे इन खेतों को, मंदिर को, धन्ना जी की जन्मस्थली को देखने के लिए आए हैं। तो इन खेतों के महत्व के बारे में मैंने बताया, धन्यवाद। बहुत मेला भरदा है बाबा जी, तुहाडा की नाम है? मेरा नाम दर्शन सिंह जी। दर्शन सिंह जी, हाँ जी। ते दुआं कलां दे विच जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है, कोई नहीं परिवार जी, कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है जिंदा जी, धन्ना भगत जी दा उत्थे बाबा जी दसदे ने। बाबा जी कदों मेला लगदा इत्थे? मार्च दा जी, मार्च दे शनि ऐतवार जिहड़ा पहला आवे, पहला शनि ऐतवार, हाँ जी, उदों मेला लगदा है। ओला मेला पर उदों की खास गल हुंदी है? उदों ही लगदा है। मेनू दा जन्म दिन मनाउंदे आ जी, अच्छा दिन दा मनाउंदे आ। अच्छा अच्छा, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ 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 ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ? ਬੜੀ ਦੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਨਾਡਾ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਸਰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪਾਠ ਪੂਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਲੜੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਚੜਾਵੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਲਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਹਲਵਾਈ ਬਾਈ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਆ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,